अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना प्यारा दाऊद ओलगा आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, दुनिया इधर से उधर हो रही है। कोई बंदा कुछ चीज़ को हासिल करने की दौर में लगा है, कोई बंदा किसी चीज़ को हासिल करने की दौर में है। मर्द औरतों के हकूक हासिल करने की दौर में है और औरतें मर्दों के हकूक हासिल करने की दौर में। समझ रहे हो ना। और मेरे कुछ शौकों में से एक शौक गन्स का भी है। मेरे पास एक ऐसी गन है जो रिसेंटली पबजी ने भी अपने अंदर चलाई, उसका नाम है मोहसिन लंगत, और वो मेरे पास अभी मौजूद है। ये दिस इज़ अ बोल्ट एक्शन राइफल, और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये 1891 में डिज़ाइन की गई, और इसके जिसने इसको डिज़ाइन किया था उसका नाम था कैप्टन सर्गी मोहसिन, और ये 1891 से लेकर 1972 तक प्रोड्यूस होती और इन यूज़ रही। इसे ये रशिया की स्टैंडर्ड राइफल में राइफल भी थी, और इसे दूसरा एज अ स्नाइपर राइफल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। और आज तक जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा किल किए एज अ शूटर, उसने वो इसी गन को यूज़ करता था, और वो इसे बगैर स्कोप के यूज़ करता था, क्योंकि इसकी मार 500 से 650 के यार्ड के दरमियान ये एक्यूरेट है विदाउट स्कोप, और ये 1500 मीटर तक विद स्कोप मार कर सकती है। इसको सोवियत यूनियन ने भी यूज़ किया और रशिया ने भी यूज़ किया हुआ है। और ये अगर इसको यूज़ की बात की जाए तो ये 1891 में जब ये बनी तो उसके बाद ये सोवियत यूनियन की वार्स में भी यही यूज़ हुई। इसको दूसरा बहुत सी जूसी जंगों वर्ल्ड वार टू में भी यूज़ किया गया, सोवियत यूनियन वार्स में भी यूज़ किया गया, नाइजीरिया की वार्स में भी यूज़ किया गया, बहुत सी जंगों में यूज़ किया गया था। और इसका जो वेट है मास वो वेरी करता है मॉडल के लिहाज से। इसके बहुत सारे मॉडल बनाए गए थे, उनमें से एक मॉडल ये है, पर इसका मुझे एग्जैक्ट मॉडल नेम नहीं पता। और इसका जो आपको पहले भी इसकी कार्टिज दिखाई थी, इसका कार्टिज जो है वो ही कलाशनकोव वाला कार्टिज है सेम। और इसका जो बैरल लेंथ है वो 29 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक 29 इंच है, इसलिए लॉन्ग रेंज राइफल है ये। और इसकी जो फुल लेंथ है गन की यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1232 मिलीमीटर है। उसका मैंने अभी इंचीज में नहीं पता मुझे कितना है, करके आप दे सकते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी एक यूनिक पीस है, अब बहुत अच्छा। मैं तो इसे इंशाल्लाह कभी नहीं बेचूंगा, इंशाल्लाह इसका लाइसेंस बनवा आगे से अपने नाम पे करूंगा, क्योंकि ये अबू के नाम पे है, इसको बाद में अपने नेम पे कर लेंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी राइफल है ये। इसके जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, ये बोल्ट एक्शन राइफल है, ये इसका बोल्ट है, यहाँ पे ये इसकी मैगजीन है, यहाँ गट्टा डालते हैं। ये मैगजीन वैसे भी बाहर आ जाती है, ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। 5.5 राउंड मैगजीन है इसकी, कार 98 की तरह ही है। यहाँ से लोड हो जाती है और ऐसे, और इस तरह से ऐसे। ये साइड है इसकी, स्टैंडर्ड साइड्स हैं इसे, मतलब वैसी जो कंपनी की तरफ से आती हैं। यहाँ साइड है इन, यहाँ से फिर ऐसे देखते हैं यहाँ से इस, और इसका ये ट्रिगर है इधर, ये इसका लॉक है। अगर हम इसका लॉक ऐसे कर दें, ये देखें आप, इस वक्त वो लोड है, गन खाली है। हमने जैसे पहले चेक कर लिया था इससे कि गन खाली है नहीं, क्योंकि सेफ्टी पहला मैयर है। ये ट्रिगर फ्री हो गया है, अब ये लॉक है गन। अगर हम इसको आगे कर देंगे तो ये चलेगी गन। और ये यहाँ से ही लोड होती है सेम कार 98 की तरह, यहाँ से ऐसे लोडेड रेडी टू फायर, लोडेड रेडी टू फायर। और इसकी हमारे पास बुलेट्स भी हैं, देखें ये आपको दिखाता हूँ। 7.62 मल्टीप्लाई 54 मिलीमीटर की एक बुलेट है। और ये मेरे पास कुछ इसके राउंड्स हैं, 7.8 कलाशनकोव वाले राउंड्स हैं। इसे मैं आपको बताता हूँ ये ऐसे इसके अंदर कैसे इसको लोड करते हैं। ये ऊपर से भी लोड हो जाते हैं, एक स्ट्रिप के अंदर ये गोलियां आ जाती हैं। ये अब लोड हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम डाल लेंगे। और मैं इन्हें लोड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, और प्राइवेट में यहाँ आप करना चाहिए जहाँ आसपास कर रहे हो, क्योंकि एरियल फायरिंग जिसे वाई फायरिंग कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। उससे भी इज्तनाब करें, कभी एरियल फायरिंग ना करें, क्योंकि आपकी ये 2 मिनट की खुशी किसी की जान लेने का सबब बन सकती है। और 3 चीज़ें हमेशा याद रखें, इस पर इसकी ऊपर कभी, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये नुकसानदेह चीज़ है।
और इसको कभी भी ऐसे यूज़ ना करें कि इसका मिसयूज हो, मतलब कभी किसी के ख़िलाफ़ ना यूज़ करें, ना किसी की तरफ एम करें, हमेशा ट्रिगर के ऊपर कभी उंगलियां रखें और इसे हमेशा एज आ ये समझें कि ये लोड है, अभी ये खाली है। हमेशा जब भी गन यूज़ करें उससे पहले देख लें ये खाली है या चैम्बर्ड है, चैम्बर्ड है तो उसका भी ध्यान रखें, नहीं है तो उसका भी ध्यान रखें, हमेशा इसकी सिक्योरिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें आप। और ये इसका रेंज बटन है, इसको दबाने से रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी चाचा आफ्ताब के बकौल, इसको दबाएंगे तो ये 200 से 300 मीटर ज़्यादा, जैसे उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था M16 के, कि इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है, ये वही सीन है, इससे इसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसका मार करें, पागल क्या हुआ भाई जान, ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? चाचा आफ्ताब हमारे दोस्त हैं, उनकी बातें बता रहे थे हम आपको। और ये था आज का रिव्यू, और ये मेरा पहला व्यू था इस चैनल पे, और मेरा गन का ही पहला रिव्यू था, और मुझे आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि इन गन्स को मिस यूज़ ना करें, और अंडर 18 बंदे तो इनको हाथ में ना लगाएं, मेरी 18 से ज़्यादा ही 19.5 मेरी उम्र है। और मेरा एक और चैनल भी है, अगर उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नेम दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी देख लीजिए, वहाँ पे मैं अपनी डेली व्लॉगिंग अपलोड करता रहता हूँ। और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगली वीडियो में।